हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुभाषीष सरकार सर्वस्वी हब्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। और आज जैसे कि लाइव सेशन में आने वाले हैं और आ चुके हैं एक अनोखा प्रोडक्ट लेके, जो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, मतलब उसका जो गुणवत्ता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है आप सभी जानते हो, ऑलरेडी पोस्टर डाला हुआ है, तो उस पोस्टर के हिसाब से आप सभी को ये पता लग गया कि आज कौन से प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। ऑलरेडी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, सो आई वुड लाइक टू नो दैट इज माई वॉइस क्लियर, क्या मेरा आवाज़ आपके सभी के पास अच्छी तरीके से आ रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, अजय सर, अजय जीना, जय सर्वश्री सर एंड गुड इवनिंग। सो शमीम मंडल सर, हेलो, मेरा आवाज क्या क्लियर आ रहे हैं? प्लीज कमेंट में, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रहा है सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आज एक बहुत ही अच्छा एक दिन है और उसी दिन में एक बहुत ही अनोखा और शानदार प्रोडक्ट लेके बात करेंगे, उसी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो और कुछ लोग जुड़ जाए, बिशोरजीत सर हेलो, आशीष सर थैंक यू, जय सर्वश्री सर, प्रदीप सर जय सर्वश्री। सो बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, कुछ लोग और जुड़ जाए फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो, आज 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वेमेन्स डे। दोस्तों विमेन्स के लिए अलग सा कोई दिन नहीं होता है, हर दिन 365 दिन उन्हीं के लिए होते हैं। और घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो माँ हैं, चाहे वो दीदी है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, बेटी है, कोई भी है, उनके बदौलत हम लोग अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। वो हैं इसीलिए हम लोग हैं, हमें घर का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता है क्योंकि पूरा टेंशन वो लेके बैठी हुई है। सो आज दिल से उनको एक थैंक यू देना, आज दिल से उनको ये बोलना है कि तुम हो इसीलिए मैं हूँ। और आज क्योंकि विमेन्स डे है और क्योंकि हम लोग MLM नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, और इधर भी एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था ग्लोबली, वर्ल्ड में क्या होता है, 55% जो महिलाएँ हैं वो नेटवर्किंग में हैं, और उनमें से आप लोग चौंक जाओगे कि 46% महिलाएं ऐसे हैं जो लाखों के ऊपर इनकम कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो आप चौंक जाओगे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहां पे मेल्स की बात करते हैं, ये अचीवर वो अचीवर और बहुत सारा, मतलब लाखों के ऊपर इनकम, लेकिन फीमेल्स भी कमी नहीं है, फीमेल्स भी पीछे नहीं है। सो एक बार दिल से मैं चाहूँगा आज सेशन शुरू करने से पहले उन महिलाओं को, सभी महिलाओं को दिल से एक थैंक यू बोलना, उसको नमन करना, रेस्पेक्ट जताना कि वो हैं इसीलिए हम लोग हैं। बिजनेस में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। आज एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो बहुत ही अच्छा एक स्टोरी पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। वन वुमेन दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने IIM अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया और फिर एक बड़ा संस्था, मतलब फिनेंशियल मार्केट में एक बड़ा संस्था कोटक, आप जानते हो कोटक महिंद्रा बैंक, उनमें वो जनरल मैनेजर भी थे, लेकिन उनके दिमाग में जो था, उनके दिमाग में टोटली एक बिजनेस का भूत सवार था, जो इतने बड़े पोस्ट को 2012 में उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ एक बिजनेस के लिए। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में बिजनेस के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है, आप कोई जॉब से वो सपना पूरा नहीं कर सकते, आप कोई नौकरी करके अपनी जिंदगी का सपना हो, अपनी जिंदगी का लक्ष्य हो, जिंदगी का मुकाम हो, उतना तक नहीं पहुंच सकते अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हो। ये सभी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बिजनेस के अलावा
ये सब कुछ हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इतना एजुकेटेड एक महिला और एक अच्छा पोस्ट होल्ड करते थे, जनरल मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया 2012 में उन्होंने वो टोटली रिजाइन दे दिया। सभी मना किया, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनके मतलब कोलीग्स थे, जो भी सुने के वो रिजाइन देने वाले हैं, उन्होंने रिजाइन दिया और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जो बिजनेस का सपना वो 25 उनका जब एज था तब से वो देख रही थी, संभव नहीं हो पा रहा था। अब 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। क्या वो बिजनेस है मैं बाद में बता रहा हूँ, उनका नाम क्या है मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उनका एक अच्छा कोट, मतलब उनका एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कोटेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटा छोटा स्टेप से करो। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ या कोई भी ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग देते हैं या आपका मेंटर, आपका लीडर अगर आपको बोलते हैं बिजनेस का स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो वो भी एक ही चीज़ को बताते हैं कि छोटा छोटा स्टेप से अपना बड़ा लक्ष्य को, बड़ा मुकाम को आप हासिल करो। सो उन्होंने भी ये किया और इसको सिर्फ कहा नहीं, इसको बिलीव नहीं किया, इसको करके दिखाया। उन्होंने बहुत बड़ा कुछ सोचा और छोटा करके स्टेप लिया। बहुत दिक्कत झेलना पड़ा, बहुत कुछ मतलब वो जब अपने जॉब को छोड़ दिया और बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट शी नेवर फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स, शी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशंस। क्या मेरा रास्ता है, रास्ता को क्लियर देखना, अपना वे को वो क्लियर देख पाए और उसी वे पे वो चलना शुरू कर दिए। एंड 2021 में एक बड़ा सा ब्रांड बन गया, एक बड़ा सा वो उनका जो बिजनेस है पूरे इंडिया भर में फैल गया, जो एक ई कॉमर्स साइट है, जो आप जानते हो शायद, बहुत ही फेमस साइट है जो ब्यूटी रिलेटेड है, और जिस साइट का नाम है नाइका, और वो एंटरप्रेनर का नाम है मिसेस फाल्गुनी नायर। सो इट इज अ वेरी एंथुजियस्टिक स्टोरी, अ सक्सेस स्टोरी, कि इतना बड़ा पोस्ट छोड़ के, एक सिक्योर लाइफ छोड़ के वो एक इनसिक्योरिटी में आ गए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ा दिक्कत तो ये आया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके एक ई कॉमर्स साइट को जब उन्होंने स्टार्ट करने का प्रपोजल दिया, सबसे डिस्कशन किया, तो सभी ने एक चीज़ बोला कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स सभी पहले टेस्ट करते हैं फिर खरीदते हैं, ऑनलाइन में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। लेकिन आज नाइका एक सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है और मिसेस फाल्गुनी नायर जो एक वुमेन एंटरप्रेनर की रूप से, बिजनेस टुडे बोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया बोलिए, सब में उनका नाम आ रहे हैं, इंडिया का एक टॉप 10 बिजनेस वुमेन एंटरप्रेनर के तालिका में, लिस्ट में उनका नाम भी है। सो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी दोस्तों हम लोगों के लिए है। जितने भी सारे फीमेल्स देख रहे हो आज मुझे लाइव सेशन में, या जितने भी सारे फीमेल्स, जितने भी सारे लेडीज जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो स्टोरी मैंने शेयर किया वो हो सकता है अलग ब्रांड का है, अलग सा अलग पैमाने में वो स्टोरी है, लेकिन है तो बिजनेस। और हम सर्वश्री में क्या कर रहे हैं, हम तो सर्वश्री में बिजनेस ही कर रहे हैं। उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी अलग सा है, हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी अलग सा है, लेकिन जो दिमाग है, जो सोच है, जो सपना है, जो रास्ता है, ये सब कुछ ठीक तरीके से अगर अप्लाइड हुआ तो क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक ही चीज कहना चाहूंगा, बिजनेस को बिजनेस के रूप से देखिए। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मेंटेलिटी अगर आपके दिमाग में एक बार घुस जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। सब कुछ सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं ये आप तय कर सकते हो।
दोस्तों अगर हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर दे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, प्रोडक्ट प्लान पे आउट मैनेजमेंट सिस्टम लीडर, अगर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर दिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग पीछे रह जाएंगे। दोस्तों इसी प्लान के ऊपर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसी प्रॉब्लम के ऊपर खड़े होकर आज सर्वश्री प्रूफ कर दिए, सर्वश्री के लीडर्स प्रूफ कर दिए कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी गाड़ी लिया जा सकता है, इस लॉकडाउन पीरियड में भी लाखों के ऊपर वाउचर निकाला जा सकता है, इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपना बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं और अपने टीम को स्ट्रांगली हैंडल करते हुए सर्वश्री का जो सपना है 2023 में टॉप 5 कंपनी में आने का, सर्वश्री का जो सपना है अगले 2023 के अंदर 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बनना, वो सब कुछ हो जाएगा अगर हम सभी मिलके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें। दोस्तों आप जैसे काम कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया के टॉप टॉप लीडर्स उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर जिंदगी में आपको प्रॉब्लम ही दिखना है तो आप प्रॉब्लम देखिए, जिनको सॉल्यूशन नजर में आएगा वो आगे बढ़ जाएगा और हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये स्टार्ट ही हुआ था फीमेल्स को लेके, फीमेल्स के मतलब फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए ये बिजनेस स्टार्टअप हुआ था, बिकॉज एक मेल को, एक आदमी को, एक लड़का को जो प्रॉब्लम है एक फीमेल को वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग जो है जो जो प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं वो घर के अंदर तक पहुंचाने वाली वो एक महिला ही है जो सारे प्रोडक्ट्स को घर के अंदर तक किचन तक पहुंचा सकते हैं, जो एक लड़के का काम नहीं होता है या कर भी नहीं सकते। एक अनजान घर में, एक अनजान घर में, एक मतलब अपरिचित घर में उस किचन तक घुस सकती है एक महिला। तो जितने भी सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी आज लाइव सेशंस को देख रहे हैं, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा प्रोडक्ट का पार्ट शुरू करने से पहले, एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा, एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग जो है डिसीशन को कॉन्क्रीट कीजिए, डिसीशन को कॉन्फर्म कीजिए और सिस्टम को फॉलो करते हुए, स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते हुए आप लोग जुड़ जाइए। 1 से 2 या 3 महीना लगेगा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। ये आपका बिजनेस है, जो बिजनेस को सर्वश्री सिर्फ हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट देके और प्लान देके और पे आउट देके और सिस्टम देके। सो फ्रेंड्स आज विमेंस डे में यही मैसेज को दोहराऊंगा कि थिंक बिग बट वर्क स्मॉल। आप बड़ा सोचिए लेकिन जो स्टेप है वो छोटा छोटा स्टेप लीजिए, आपका जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना है वो जरूर पूरा होगा। और फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था, जो एलोवेरा नोनी लेके मैं बात करने वाला था, तो एलोवेरा नोनी लेके क्या बात करें, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है सर्वश्री का जो मतलब आप लोग जो जो लोग इसको यूज किए हैं, अगर कोई इसका टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हो तो आज शेयर कीजिए, आज ही आपके पास मौका है। अगर इस जूस का टेस्टिमनी आप शेयर करना चाहते हो आप शेयर कीजिए, मैं आपके नाम के साथ उसको पढ़ूंगा। तो ये जो एलोवेरा नोनी जूस है ये एलोवेरा नोनी से बना है और इसके साथ ऐड किया गया है अश्वगंधा, जो एलोवेरा बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, एलोवेरा का फायदा क्या है, एलोवेरा बॉडी के ऊपर क्या क्या काम करते हैं, बहुत बार इसका डिस्कशन हुआ, बिकॉज एलोवेरा इज अ मिराक्यूलस हर्ब जिसको अमरत्व का पौधा भी कहा जाता है, द प्लांट ऑफ इमोर्टलिटी। एलोवेरा एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन, स्पेशली विटामिन ए पाए जाते हैं बहुत से ज़्यादा, और उसी के साथ नोनी। फ्रेंड्स नोनी को लेके भी बहुत सारे डिस्कशंस पिछले ट्रेनिंग्स में, पिछले लाइव सेशंस में हुए हैं। आप सर्वश्री का जो पेज है उस पेज में अगर पीछे की तरफ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा नोनी के ऊपर, बिकॉज सर्वश्री नोनी को लेके बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एलोवेरा को लेके भी किए हैं। तो एलोवेरा और नोनी का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ लोडेड है, एंड ये अगर आप रोजाना पीना शुरू कर दें, इन जनरल कोई डिजीज की बात नहीं है, कोई रोग की बात नहीं है, कुछ नहीं है,
अगर आप इन जनरल अगर पीना शुरू कर दे, पहला जो काम एलोवेरा नोनी करेगा वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा फ्रेंड्स, शरीर के अंदर जितने भी धूल मिट्टी या फिर केमिकल्स जा रहे हैं अपने खाने से, अपने पानी से, हवा से, जितने भी सारे अनवांटेड चीजें जा रहे हैं शरीर के अंदर, पूरा डिटॉक्सिफाई होगा। दिस इज अ फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एलोवेरा नोनी जूस। एंड डिटॉक्सिफिकेशन अगर होगा, ब्लड से अगर सब टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक होगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर सही नहीं हुआ बॉडी में, ये 90% रोगों को बुलाता है अपने शरीर में। सो फ्रेंड्स, पहला जो काम है ये डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में मदद करता है। एलोवेरा और नोनी दोनों ही स्किन के ऊपर बहुत असरदार है। सो जो कोई भी स्किन के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, खास तरीके से गर्मी आ रही है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, ऐसे पिकल्स या इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे रैशेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो अगर इस गर्मी के सीजन में हम लोग रोजाना 2 टाइम एलोवेरा और नोनी का जो जूस है ये पीना स्टार्ट कर दे, 15 ml करके हम लोग सुबह शाम खाली पेट कांच के ग्लास में हाफ ग्लास पानी लेके नॉर्मल वाटर, उसमें 15 ml मिला के अगर हम लोग 2 टाइम पीना शुरू कर दे तो क्या होगा, इस गर्मी के सीजन में टोटली एक स्किन केयर के रूप में एलोवेरा नोनी काम करेगा, एक स्किन प्रोटेक्शन के रूप में काम करेगा। और क्या है, एलोवेरा नोनी जो है ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा धूप निकलता है और एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बॉडी का एक्सपोजर धूप से ज़्यादा होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे के जो हानिकारक जो चीज़ें हैं उसमें इफेक्टेड होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एलोवेरा नोनी पीने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो फ़ायदे है ये बाहर से नहीं दिखेगा, 7 दिन में के, 10 दिन में के, 1 महीने में आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली आप फील कर सकते हो। बिकॉज गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होते हैं, पसीना ज़्यादा निकलता है, और जहाँ पे सूखा मौसम होता है तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लू वगैरह भी बहता है, जहाँ पे पसीना नहीं होता है लेकिन इंटरनली आप सूख जाते हो। तो आपको हाइड्रेट रखने में, आपके त्वचा में, आपके स्किन में हाइड्रेशन, नमी बनाए रखने के लिए एलोवेरा नोनी जूस बहुत अच्छा काम करेगा। सो स्किन प्रोटेक्शन के रूप में इस गर्मी में आप एलोवेरा नोनी जूस का सेवन कर सकते हो। इन जनरल प्रोडक्ट एलोवेरा नोनी जूस जनरल कैटेगरी में पड़ता है। और इसी के साथ साथ गर्मी में क्या होता है, थोड़ा बहुत रिच खा लिया या थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज गर्मी के सीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो स्टोमक प्रॉब्लम में जूझते हैं, स्टोमक प्रॉब्लम होता है, स्टोमक अपसेट होते हैं, डिसेंट्री होते हैं, बहुत कुछ पेट की प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस एसिडिटी तो बना ही रहता है। तो दोस्तों, एलोवेरा नोनी जूस रोज़ाना सेवन करने से आपका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम चला जाएगा। और क्योंकि एलोवेरा में और नोनी में दोनों में ही फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप रोज़ाना 2 टाइम एलोवेरा नोनी जूस लेना शुरू कर दिए तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगा, स्टोमक अपसेट नहीं होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और मतलब आपका जो खाना है आप खाए तो वो बहुत तुरंत वो क्या होगा, हजम हो जाएगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, स्किन के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम्स में एलोवेरा नोनी जूस बहुत अच्छा काम करेगा, आपके लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए, आपके आईसाइट को ठीक रखने के लिए, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा एलोवेरा नोनी जूस। दोस्तों, एलोवेरा और नोनी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा परिमाण में है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा परिमाण में है तो और एक चीज़ है कि नोनी जो होता है, नोनी हम लोग जानते हैं एंटी कैंसरस है। सो एलोवेरा और नोनी का जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपको कैंसर से प्रोटेक्टेड रखेगा और आपके जो भी स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, लिवर के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जितने भी सारे ऑर्गन्स
काम कर रहे हैं उस ऑर्गेन्स को प्रोटेक्टेड रखेगा, सेल्स को खाना पहुंचाएगा, मतलब सेल्स को प्रोटेक्ट रखेगा, सेल्स को रिजुविनेट करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स वाले एक एलो नोनी जूस जो सिंगल प्रोडक्ट आपको पूरा प्रोटेक्शन दे सकता है गर्मी के सीजन में, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सर्वश्री का एलो नोनी जूस आप लेना शुरू करो आज ही से, क्योंकि एक्चुअली मैं ले रहा हूँ तो मैं कल ही इसको लेके गया परसों, तो मैं आज से ये लेना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं इस पल्स को ले रहा था, इस पल्स खत्म हो गया, तो अभी 3 महीना हो गया तो मैं अभी एलो नोनी जूस स्टार्ट कर दिया और अगले 3 महीना पूरा गर्मी के सीजन में एलो नोनी जूस का सेवन करूँगा। मैं करूँगा, आप भी कीजिए, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा कि इसका बेनिफिट क्या है या ये काम करता है या नहीं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप लीजिए और फर्क खुद समझिए और उसका टेस्टिमनी वीडियो करके हम लोगों को भेजिए, ताकि जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स का एफिकेसी के को लेके अभी भी डाउट है, सर्वश्री के प्रोडक्ट्स को लेके अभी भी डाउट है, वो डाउट दूर हो जाएगा। आप लोग टेस्टिमनी वीडियो शेयर कीजिए, अपने मुंह से बोलिए प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। और एलो नोनी जूस स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ इस गर्मी के सीजन में, एलो नोनी जूस का सेवन कीजिए। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एक करके लाइव सेशंस में आता रहूँगा और उस लाइव सेशंस में मैं बताते रहूँगा कि कौन से वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो गर्मी के सीजन में हम लोगों को प्रोटेक्टेड रख पाएगा। सो फ्रेंड, इसका डोजेज जो है, यस डॉक्टर रोहित शर्मा सर, मैं ज़रूर बोलूँगा इसका डोजेज 15 ml ट्वाइस अ डे इन एन एम्प्टी स्टोमक मिक्स विथ हाफ ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर आप सेवन कीजिए, 15 ml लीजिए, हाफ ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर 15 ml डालिए, मिक्स कीजिए और सुबह शाम खाली पेट लीजिए। ग्लास कांच का होना ज़रूरी है या आपका चाइना में टी है उसका कोई कप या ग्लास भी हो सकता है, कोई मेटल यूज ना करें। सो एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इस गर्मी के सीजन में राहत पाने के लिए सर्वश्री के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। एलो नोनी जूस इज वन ऑफ देम जो मैं ले रहा हूं, आप भी लीजिए, फर्क अपने आप समझिए। और फिर से एक बार आज इंटरनेशनल वीमेंस डे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फिर से एक बार सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा है, अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। और सभी लीडर्स को मैं ये बताना चाहूँगा, लेडीज के ऊपर फोकस कीजिए, लेडीज टीम के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज बिजनेस अगर कोई ज़्यादा ला सकता है वो महिला ही हैं। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन एक घर के किचन तक एक महिला ही पहुँच सकते हैं, हम नहीं। सो जितने भी सारे फीमेल एंटरप्रेनर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए और उसी के साथ साथ बिजनेस को करने के लिए स्ट्रैटेजी सिस्टम जो सर्वश्री हाउस के पास है, जो सर्वश्री हाउस के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमेशा आप लोगों के मदद के लिए है, सर्वश्री मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों के मदद के लिए है। और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू हमें मिल रहा है, सो एक बार स्पेशली मैं थैंक यू देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन सर मिस्टर गोपाल कुंडू सर को, हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर प्रशांत कुंडू सर को, हर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुभाष साहू सर को। सो आप लोग जहाँ पे भी है मैनेजमेंट को दिल से एक बार थैंक यू बोलिए और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर आप कस्टमर के पास लेके जा रहे हो, जो भी रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो गया है, प्लीज़ 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 आप उसका वीडियो बनाइए या टेक्स्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन टेस्टिमनी हम लोगों के पास शेयर कीजिए, बिकॉज टेस्टिमनी को लेके, वो वीडियोज़ को लेके हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। आपका जो भी टेस्टिमनीज होगा, टेस्टिमनी को लेके हम लोग बुक बनाएंगे, ताकि सर्वश्री के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट, सर्वश्री के प्रोडक्ट्स का एफिकेसी सबके पास आ जाए।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये लाइव सेशन को लगे कि ये आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है, तो इसका भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए और सभी के पास पहुंचा दीजिए इस मैसेज को। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, सबका नाम मैं मतलब नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितने भी सारे लोग कमेंट किए हैं सबको मेरा थैंक यू। सर्वश्री के साथ जुड़े रहिए, सर्वश्री के साथ बने रहिए और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय सर्वश्री एंड गुड नाइट।